हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बेबी चौबे। स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आइए, हम एक और अच्छा सा चटनी लेकर आए हैं जो कि टमाटर के चटनी है। और टमाटर हम बहुत अच्छा लिए हैं, तो इस जो ठंड का समय का जो टमाटर होता है बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी लगता है और इसमें रस ज़्यादा रहता है। तो हम आज बनाएंगे टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट, जो कि आप पूरी के साथ या पराठा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, लेकिन पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है टमाटर की चटनी। तो आइए हम शुरू करते हैं। टमाटर को हम सबसे पहले काट लेंगे, तो इसे हम ज़्यादा महीन नहीं काटेंगे। ऐसे करके हम सारे टमाटर को काट लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए सारे हम टमाटर काट लिए हैं। तो अब इसे हम बनाएंगे। तो सामग्री देख लीजिए, सामग्री में हम चीनी लिए हैं और गुड़ वाला हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, तो हम आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चीनी वाला बना रहे हैं क्योंकि बच्चे चीनी वाला खाते हैं, गुड़ वाला नहीं खाते हैं। और ये हम पंच फोरन लिए हैं और ये लाल मिर्च है और थोड़ा सा हम हल्दी लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए कढ़ाई हम चढ़ा लिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं, तो हम अभी इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं। 2 बड़े चम्मच हम डाल दिए तेल। अब तेल को हम गर्म होने देंगे। ये पचफोरना में हम लिए हैं, ये सौंफ है, मेथी है और थोड़ा सा काली वाली सरसों है और ये मंगरेल है और थोड़ा सा इसमें मेथी है और इसमें जीरा भी है। तो इसको 5 फोरन हम घर में बनाए हैं, 5 गो डाले हैं और 5 फोरन बनाए हैं। तो चलिए इसे हम कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तेल, तो ये देखिए हम इसमें फोरन डालेंगे। थोड़ा सा हम इसे ब्राउन करेंगे क्योंकि जो जीरा है हमारा अच्छा से जल जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जो फोरन है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें हम जो लाल मिर्च है वो डाल देंगे। लाल मिर्च हमने 2 टुकड़ा कर लिया है, तोड़ लिया है, तब इसे हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे, इसे भी हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे। ये देखिए मिर्च हमारा लाल हो चुका है। तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए टमाटर इसमें हम डाल दिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें। जो चीज़ हम छमक के या कढ़ाई में बनाते हैं और फोरन पर जो चीज़ हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालते हैं, तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। तो इसे हम थोड़ा गलने देते हैं। तो चलिए इसे ढक दें। इसे हम ढक दिए थे, अब इसे हम ओपन करते हैं। ये देखिए टमाटर तो बिल्कुल गल चुका है, थोड़ा सा और गलेगा। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो नहीं गला है वो गल जाए। चटनी हमारा बहुत अच्छा होगा, आप इसे जरूर बनाएं और अच्छा भी लगे। हाँ तो चलिए इसे देखते हैं। टमाटर तो बिल्कुल ही गल गया है, बिल्कुल अच्छा हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी का तो हम बता दिए हैं कि आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ वाला हम लोग को अच्छा लगता है। यहाँ पे हम चीनी अपने अंदाज से डाल रहे हैं, आप अपने टमाटर लें उतना अंदाज से डालें, जितना आपका टमाटर है उससे 1/4 चीनी लें। चलिए हम थोड़ा सा चीनी को पकाएंगे। हाँ तो देखिए ये हम गैस पर ऑफ कर लिए हैं
और ये हमारा जो चटनी है वो हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर है और कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी कि क्या बताएं। मुंह में पानी आ जा रहा है इसका खुशबू से। तो आप हमारी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाएं। और ये खट्टी मीठी चटनी है टमाटर की, क्योंकि इसमें हम नमक भी डाले हैं, सिर्फ एक चीनी वाली बनती है या गुड़ वाली, उसमें नमक नहीं पड़ती है, और इसमें हम चीनी और नमक दोनों डाले हैं, तो ये खट्टी मीठी होगी, बहुत टेस्टी लगता है, पूरी या पराठे से बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा चटनी तो तैयार हो गया, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है और उतना ही अच्छा स्वादिष्ट हुआ है। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं और हमारे कहने के अनुसार खाएं, पूरी या पराठे से, पराठे से भी आप खा सकते हैं, हम लोग तो पराठे से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ये ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। आप सब्जी ना भी बनाएं तो भी चलेगा, ये सुबह सुबह पराठे बनाइए और इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हमारा पूरा देखें, और हमारे कमेंट में ये बताएं कि आपको ये चटनी कैसा लगा और हमारे बनाने का तरीका कैसा है, ज़रूर बताएं। थैंक यू। हाँ, और एक बात ज़रूर कहेंगे और ध्यान में रखिएगा कि ठंड से ज़रूर बचिएगा।